तो सबूत दर सबूत मैंने पेश किए कि मैं वक्त मांग रहा था और वक्त दिया नहीं गया, और मुझे कहा गया कि आप कांग्रेसी नहीं हो। मुझे विसल ब्लोअर बनना पड़ा। विसल ब्लोअर वो होता है जब तंजीम में फर्जीवाड़ा होता है, तो वो तंजीम की बातों को बाहर रलाने के लिए सबूत इकट्ठा करता है और बाहर लग देता है पब्लिक डोमेन में, जैसे विकीलीक्स करता है। जो मनीष तिवारी जी ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने मनीष तिवारी जी की फ़ोन का रिकॉर्डिंग रखा। मैं नहीं करता, ये मेरी फितरत नहीं है, मेरी तहजीब नहीं है। 8 साल से मैं इस पार्टी में हूँ, किसी का मैंने कभी जो मुझे बोले गए हैं, जो जो सच मेरे दिल में है, वो मैंने कभी बाहर नहीं किए हैं। पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे बेइज्जत किया, सरदार पटेल को जैसे बेइज्जत किया गया था, शायद डीएनए में है उनके, तो उन्होंने मुझे बेइज्जत किया, तो मैंने विसल ब्लोअर बनने का काम किया। मनीष तिवारी जी की बात को मैंने रखा। क्या कहा मनीष जी ने, मैं ऑडियो बाद में करूंगा इसके बाद। मनीष जी ने 3 चीज़ें कही। शहजाद, तुम आर यू श्योर ये करना चाहते हो? ये रिग्ड इलेक्शन के बारे में बात रखोगे? दिस इज़ अ वन वे टिकट आउट ऑफ योर पार्टी। ये तरीका है बाहर जाने का पार्टी से, इसीलिए आपको दिखेगा कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ शहजाद पूनावाला बोल रहा है, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी है। बाकियों की तरह मैं इस चाटुकारिता में और परिवारवाद के जो है टुकड़ों पे पलने वाला नहीं हूं मैं। फिर मैंने एक डेलीगेट का ऑडियो जारी किया, राजू शर्मा। अब ये कहेंगे राजू शर्मा डेलीगेट नहीं है मेरी तरह, उसके ट्वीट भी मैंने दिए हैं। वो डेलीगेट मुझे कह रहा है कि नहीं भाई साहब, मैं तो अपॉइंट हुआ था, अजय माकन ने सारे 280 के नाम जो है फाइनल किए, कोई चुनाव उनाव नहीं हुआ, जबकि चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है।